नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। मित्रों, खबरों को दिखाने के पहले हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी से खुद को बचें और अपने देश को बचाएं। लॉकडाउन की स्थिति को गंभीरता से लें और प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आपका एक छोटा सा सहयोग आपके परिवार के साथ पूरे देश को बचा सकता है। मित्रों, आप अमेरिका, इटली और रूस जैसे देशों को देखें जो भारत से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं और इस महामारी से बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें और प्रशासन की बात को गंभीरता से सुने। अब एक नजर खबरों की तरफ। लॉकडाउन का जहां कड़ाई से पालन किया जा रहा है, तो यतरौलिया नगर पंचायत में उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा के नेतृत्व में तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह व शासी अधिकारी नगर पंचायत अंजलि वर्मा द्वारा जरूरतमंदों को, जो कि नगर पंचायत यतरौलिया में सीतापुर, चालौन, झांसी, अलीगढ़ आदि जगहों से आए दिहाड़ी मजदूरों को, जो लॉकडाउन होने से परेशान थे, उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें आज राहत तथा खाद्यान्न वितरण किया गया। नगर पंचायत में ऐसे जितने भी लोग हैं उन्हें चिन्हित कर उनके लिए खाद्यान्न वितरण का कार्य हो रहा। नमस्कार सर, मैं आशीष कुमार निषाद अतरौलिया आजमगढ़ से, मैं इस वक्त खड़ा हूँ नगर पंचायत अतरौलिया में, जहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय और शासी अधिकारी द्वारा गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय जी खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पे फंसे हुए लोगों को अनाज वितरण कर रहे हैं। सर, ये अनाज वितरण किया जा रहा है नगर पंचायत अतरौलिया द्वारा और आप लोगों के द्वारा, इसके बारे में बताइए सर। तहसील में फूड बैंक की स्थापना की गई है, जहाँ हमारे तहसीलदार और नगर पंचायत में हमारी अधिशासी अधिकारी उस फूड बैंक में उन्होंने खाद्यान्न के पैकेट बना रखे हैं, जो दिहाड़ी मजदूर या जो एकदम बेसहारा है, विकलांग है, विधवा है, जिनके यहाँ एकदम राशन ख़त्म हो गया है, उनको राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। और आज नगर पंचायत अतरौलिया में जो इस तरह की से जैसे सीतापुर से लोग आए हुए हैं या फंस गए, अपने घर जा नहीं पा रहे हैं और उनके पास कोई आजीविका का साधन नहीं है, उनको राशन वितरण टाउन एरिया के माध्यम से हमारे तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी के द्वारा यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है। मैम, आपको बता दें यहाँ पे कि अगर नगर पंचायत अतरौलिया में कोई भी बाहरी आदमी फंसा हुआ है, वो नगर पंचायत शासी अधिकारी से मुलाकात करे और उनके लिए अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये भारत सरकार की और लॉकडाउन के रहते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की लॉकडाउन के रहते हुए यहाँ पर ये चीज़ किया जा रहा है।